जम्मू आणि काश्मीर येथील अनुच्छेद 370 हटवण्यात आल्यानंतर आम्ही पुणेकर या संस्थेच्या माध्यमातून डोडा जिल्ह्यातील 5 शेतकरी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेत. आमच्या भागात तरुणांची संख्या अधिक आहे, पण त्यांच्या हाताला काम नसल्याने ते बेरोजगार आहेत. या तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी सरकारने प्रथम काम करावं अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर आम्ही पुणेकर या संस्थेच्या माध्यमातून डोडा जिल्ह्यातील बलवंत सिंग, भवानीचंद बन्सीलाल, ओमप्रकाश मोदूलाल, दिनेश सिंग बेलीराम आणि हिंदभूषण बसंतराम हे 5 शेतकरी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेत. या दौऱ्याच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यात कशा प्रकारे शेती केली जाते त्या पार्श्वभूमीवर शेतीविषयक काही संस्थांना त्यांनी भेट दिली. पाहूयात त्या शेतकऱ्यांचं काय मत आहे. तो हमें यहां पर हमारे एग्रीकल्चर चीफ साहब और हमारे मतलब सागर साहब हैं जो यहां के पुणे के हैं, डीसी साहब हैं, उन्होंने हमें यहां भेजा है तो ताकि यहां के जो जमींदार हैं, डेयरी है, कुछ भी है यहां का, वहां आप देख लो ताकि आप नए तरीके से जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की वो अपने डिस्ट्रिक्ट में शुरू कराओ. तो हम 8 तारीख को यहाँ पहुँचे. सबसे पहले हम यहाँ एग्रीकल्चर जो कॉलेज है हमें वहाँ लाया गया. तो सबसे पहले तो हमें वहाँ बड़ा सम्मानित किया गया उन लोगों ने, हमारे बड़ा अच्छा. उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के जो है वो फार्म है वहाँ पर हमने देखे एग्रीकल्चर जो लगे हुए हैं, वेजिटेबल लगे हुए हैं, फ्लोरिकल्चर था तो वो देखा. उसके बाद फिर हमने कुछ डेयरी यहाँ देखी. तो दूसरे दिन हमें ले गए उधर, क्या नाम बोलते हैं, उधर राजौरी, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो वहाँ का जो हमने देखा उनका, उनको लोन जो दिया जाता है तो बगैर किसी इंटरेस्ट के दिया जाता है उन लोगों को. उन लोगों ने अपनी ही सोसाइटी को बनाई है तो देख करके हमें बड़ी खुशी हुई. तो ऐसा हम भी कोशिश करेंगे, डी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोशिश आप डोडा में भी करें ताकि इस किस्म की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं तो वो हमारे डोडा में भी लगें तो लोग इससे फ़ायदा उठा लें. तो उसके बाद यहाँ हमने डेयरी फार्म देखे तो जो एक उसका तकरीबन 3000 गायें एट ए टाइम हमने देखी, जिसका वो मशीनों के ज़रिए दूध निकाला जाता है और उनकी सप्लाई जो है वो अंडरग्राउंड ही समझो होती है. फिर एक जगह हमने देखा उसमें क्या नाम है, गोवर्धन, मतलब वहाँ का वो जो है गोवर्धन नाम है. तो दूसरी जगह हमने देखा दूध कैसे आता है, उसमें कितनी प्योरिटी है, साफ़ है नहीं है. फिर दूसरे प्लांट पर हम गए, वहाँ पर हमने देखा वो मक्खन बनाया जाता है और चीज़ें बनाई जाती हैं. तो ये देखकर तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमें तवज्जो लगा. तो साथ में यहाँ का हमने जो देखा ज़मींदारों ने जो बनाए हैं या गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो पांड्स हैं ज़मीनों में, वहाँ पानी जमा होता है. तो जब भी कोई मतलब सब्ज़ी लगानी है, कोई फसल लगानी है, खासकर यहाँ तो गन्ना होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में गन्ना नहीं होता है. तो हम वहाँ पर छोटे पैमाने पर करते थे, जैसे डेयरी हमारी छोटी पैमाने पर होती है. हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर हम बड़ी डेयरी खोलेंगे तो किस तरीके से अपने फार्मरों को साथ में लेकर वहाँ पर बड़े पैमाने पर काम कर सकेंगे. तो बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर हमें मौका मिला देखने के लिए और डी साहब ने वहाँ से भेजा हमें. तो यहाँ पर हमने नई नई चीज़ें देखी और वो यहाँ से जाकर हम वहाँ डोडा में उस तरीके की खेती बाड़ी करेंगे और अपने नौजवानों को फ़ायदा मिल सकता है. अड़चन कोई भी नहीं है. जैसे 5-10 साल से हमारी कुछ समस्या वहाँ पर मिलिटेंसी की वजह से हम लोग पीछे चले गए हैं और जो 370 हटने से हो सकता है हमारे लोग एडवांस आगे बढ़ेंगे और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा. हवा पानी तो वहाँ पर कुदरती है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर हवा पानी और कुदरती नहीं. एक्चुअली में वहाँ तो चल रही हैं छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन अब रोज़गार का भी समस्या है. जैसे लोग बढ़ गए हैं तो अब फैक्ट्री तो ज़रूरी है हर इंसान के लिए. जब हम अपनी कोई कच्ची चीज़ें तैयार करते हैं, सब्ज़ी तैयार करते हैं, फल हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है जो हमारा वेस्ट होता है ख़ास करके पहाड़ी एरियों में. तो उसका जब फैक्ट्रियाँ आएंगी उसका इस्तेमाल होगा तो लोगों को फ़ायदा होगा.